हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगी बोगनविलिया के बारे में। मेरे पास बोगनविलिया के 3 प्लांट हैं। आप ये देख रहे हैं, ये येलो कलर का प्लांट है, ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है। अब देखिए कैसा बोनसाई ट्री के रूप में बनता जा रहा है। और देखिए आप, इसकी मिट्टी में खाद जब ये तैयार किया था, मैंने प्लांट लगाया था गमले में, मैंने तभी डाली थी। बीच में एक आध बार डाली होगी, उसके बाद मैंने ये एक लिया था, ये पिंक वाला। ये देसी बता रहा था नर्सरी वाला कि ये देसी है। मैं सिर्फ 15 रुपये का लाई थी इस प्लांट को। देखिए इसमें भी फूल अच्छे से आ रहे हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का, ये सुर्ख लाल कलर, अच्छा सा गहरा सा लाल कलर है इसका। बहुत ही प्यारा सा कलर आता है, सुबह मॉर्निंग में जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं तीनों ही प्लांट। तो ये भी मैंने लास्ट ईयर लगाया था शायद, हाँ। तो जब से मैंने, एक बात बताती हूँ आपको ख़ास बात, कि बहुत से आपने देखा होगा वीडियोस में कि ये खाद डालिए, वो खाद डालिए, तभी फूल आएंगे। ऐसा मैंने देखा, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब से ये प्लांट लगाए हैं, वो वाला जो येल्लो वाला है वो बहुत पुराना है, उसमें मैंने बीच में खाद डाली है, लेकिन ये दोनों, ये रेड कलर के जो प्लांट हैं, पिंक और रेड, इनमें मैंने जब ये लगाए थे अपने गमले में तभी मैंने खाद डाली थी। मुझे याद है कि मैंने वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और नीम खली, ये सब मिक्स करके तैयार किया था इसके मिट्टी को, और मैंने ये दोनों प्लांट लगाए थे। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है इनमें, कुछ भी एक्स्ट्रा खाद नहीं दी है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है आप देख सकते हैं। और टाइम टू टाइम इसमें भर भर के फूल आते हैं। एक साल के बाद ये एक्टिव अच्छे से होता है। आप अगर किसी छोटे से प्लांट को लाएंगे, बोगनविलिया का एक प्लांट लाते हैं, उसको ग्रो करते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे स्टार्टिंग में फ्लावरिंग होगी लेकिन कम होगी, लेकिन एक साल बाद जब उस प्लांट बड़ा हो जाता है, एक साल का हो जाता है, पुराना हो जाता है, फिर ये अच्छे से ग्रोथ, अच्छे से फूल देता है। मतलब इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होने लगती है। अब बिना खाद के देखिए आप, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने खाद वाद ज़्यादा दी नहीं है इसको, वही जब मिट्टी लगाई थी, मिट्टी तैयार की थी, तभी इसमें खाद दी थी। और इसको, एक इसका ये है कि इसको पानी भी कम चाहिए। पानी आप ज़्यादा देंगे और खाद देंगे तो इसकी पत्तियाँ हरी हरी आएंगी, इसमें फूल कम आएंगे, मैंने ये नोटिस किया है। मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इसको पानी प्रॉपर देते रहेंगे, इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देंगे और इसमें खाद भी जल्दी जल्दी देते रहेंगे, वो भी गोबर की खाद, तो इसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ भर के आएंगी, फूल नहीं आएंगे ज़्यादा, फूल कम देगा ये। लेकिन इस वाले में देखिए आप, पत्तियाँ कितनी कम है, फूल ही फूल दिख रहे हैं। तो ये पानी कम चाहिए इसको, पानी कम दीजिए, मिट्टी सूख जाए। बीच में मैंने 5-6 दिन इसमें, समझिए कि मैंने 8 दिन इसको पानी नहीं दिया था। उसके बाद मैंने जब देखा तो इसमें कलियां भर के आई हैं। फिर इसको पानी, इसको स्ट्रेस पसंद है, इस प्लांट को स्ट्रेस पसंद है। हम जितना कम पानी देंगे उसमें अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन जब फ्लावरिंग होने स्टार्ट हो जाए इसकी, जब इसमें फूल आने लग जाए, तो फिर आप ऐसा मत करिए कि मिट्टी को ज़्यादा दिन सूखने दीजिए, वरना फूल झड़ जाएंगे। इसलिए थोड़ा मिट्टी में नमी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को। और देखिए इसको कोई केयर नहीं चाहिए ज़्यादा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, कोई खाद नहीं दी है मैंने, तो खाद का भी मैं बोलूँगी तो खाद भी नहीं चाहिए इसको, तब भी ये प्लांट इतना अच्छा से चल रहा है, इतनी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इतनी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैंने आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है बोगनविलिया के बारे में, और अगर आगे कुछ और होता है तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।